नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की चर्चा, मैं हूं प्रीति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार मौद्रीकरण और आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है। उन्होंने बताया कि एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत बेकार पड़ी या आधी अधूरी इस्तेमाल हुई 100 सरकारी संपत्तियों का मौद्रीकरण किया जाएगा। इससे सरकार को 2.5 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, जिनका इस्तेमाल जन कल्याणकारी योजनाओं पर किया जाएगा। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को लेकर कहा कि निजी क्षेत्र से दक्षता आती है और लोगों को रोजगार मिलता है। साथ ही कहा कि सरकार 4 रणनीतिक क्षेत्र यानी जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं उन्हें छोड़कर सभी क्षेत्रों के सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण को लेकर प्रतिबद्ध है। बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन को लेकर इन्वेस्टमेंट और पब्लिक एसेट मैनेजमेंट विभाग के वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार बजट ने भारत को फिर से हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर ले जाने के लिए स्पष्ट रोड मैप सामने रखा है। बजट में भारत के विकास में प्राइवेट सेक्टर के मजबूत योगदान पर भी फोकस है। कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे में हैं, कईयों को करदाताओं के पैसे से मदद दी जा रही है। बीमार पीएसयू को वित्तीय मदद देने से अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ता है। पुरानी परंपरा के आधार पर पीएसयू को बनाए रखना उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का काम कारोबार करना नहीं है, सरकार को अपना पूरा ध्यान लोक कल्याण पर लगाना चाहिए। आज की चर्चा में हम सार्वजनिक क्षेत्र सुधार के लिए मौद्रिकीकरण और आधुनिकीकरण की जरूरत का विश्लेषण करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। मेरे साथ हैं प्रोफेसर चरण सिंह, सीईओ एग्रो फाउंडेशन, साथ ही मेरे साथ हैं मोनिका हालन, सीनियर जर्नलिस्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोनिका, पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगी और मैं समझना चाहूंगी, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब देश में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज शुरू हुए थे तब समय अलग था, देश की जरूरतें अलग थी, आज हम ये रिफॉर्म्स कर रहे हैं तो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि जनता के पैसे का सही उपयोग हो। मौद्रीकरण को लेकर ये बातें जो उन्होंने कही हैं, पहले समझना चाहूंगी कि मौद्रीकरण को लेकर हम कहाँ खड़े हैं, कितना अब तक मोनेटाइजेशन हुआ है और उसकी जरूरत क्यों है। आपने बहुत सही कहा है प्रीति कि जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार का काम स्कूटर बनाना या बिस्किट या ब्रेड बनाना नहीं है, उसका काम है गवर्नेंस देना, लोकहित में काम करना और उन जगहों पे सुविधा देना जिसको कहते हैं पब्लिक यूटिलिटी, जहां पर या तो मोनोपोली की हमको डर रहता है या ऐसी चीज होती है जिसको जिसका प्राइवेटाइजेशन की वजह से हो सकता है सुविधाएं सब तक ना पहुंचे। तो जो वो वक्त था कमांडिंग हाइट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर का, नेहरू का जो था, वो बहुत अलग टाइम था और जो इस वक्त का टाइम है वो एकदम बदल चुका है माहौल। क्योंकि अगर हमको 3 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी से हमको आगे बढ़ना है तो ये बात है कि जो नई ट्रेन है, जो सुपर फास्ट ट्रेन है, वो बैलगाड़ी के ट्रैक पे नहीं चल सकती है। तो हमको नया ट्रैक बनाना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं। और लोकतंत्र में यही है, हमारी सबकी क्या इच्छा है कि हम डेवलप हो, सबका हमारा जो पर कैपिटा इनकम है $2,000 का है सिर्फ, फ्रांस का, जर्मनी का ये $40,000 होता है, $70,000 होता है, हम लोग $2,000 पर कैपिटा इनकम पे हैं। तो हमको इसको बढ़ाना है या ऐसे ही घिसते रहना है कि चलो भाई पब्लिक सेक्टर यूनिट है उसमें नौकरियां मिल जाती है लोगों को, बेनिफिट मिल जाते हैं लोगों को। तो अगर हमारा जनमत ये है कि भारत की ग्रोथ रेट हो और जो जीडीपी का पाए है उसको वो बढ़े, तो ये इस समय जो रिफॉर्म अगर नहीं हुआ तो एक बहुत अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है वो हाथ से निकल जाएगी। और बहुत शायद पहली बारी मैंने किसी प्रधानमंत्री या किसी पॉलिटिशियन को सुना है ये कहते हुए कि प्रॉफिट बुरा शब्द नहीं है और जो निजीकरण है उससे देश को फायदा होगा, लोगों को फायदा होगा। तो बहुत जरूरत है इसकी और बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। बिल्कुल प्रोफेसर चरण सिंह, आपकी राय में जानना चाहूंगी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने साफ किया कि व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं है, जन कल्याणकारी योजनाएं बनाना और लागू करवाना सरकार का काम है, एक तरह से प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के आगे के विजन को साफ किया है कि वो फोकस होगा जन कल्याणकारी योजनाओं पर और बाकी जगहों से पैसा जुटाया जाएगा, इस विजन को कितना मजबूत देखते हैं आप? मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस सारी विचारधारा से, क्योंकि मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगर देश को उसी ऊंचा सीमा पे पहुंचना है जहाँ हम लोग थे, जहाँ हम लोग पूरी दुनिया के 33% पूरी आउटपुट 1000 साल तक हमारे यहाँ होती थी हमारे देश में,
और दूर दूर से लोग हमें ढूंढने आते थे क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रगति इतनी ज्यादा थी। उसका कारण यही था कि जो राजा होते हैं या जो सरकारें होती हैं उनका कुछ मूल काम है, डिफेंस उनका काम है, जुडिशरी उनका काम है, लॉ एंड ऑर्डर उनका काम है। उनका काम ये जो कमर्शियल एक्टिविटीज है, जो प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज है, ये निजी क्षेत्र में होनी चाहिए, ये सरकार का काम नहीं है। अगर आप इसको बड़े सरल तरीके से समझने की कोशिश करें तो देखिए, सरकार में 5%, 8%, 3% लोग काम करते हैं। अगर वो सारी प्लानिंग करेंगे, वही सारा गाइड करेंगे, उसके दूसरी साइड देखिए 100 के 100% लोग कोशिश कर रहे हैं कि देश आगे बढ़े, तो कौन सी अच्छी चीज है? तो निजीकरण में यही होता है। निजीकरण में हर एक को उत्साह होता है कि मैं मेहनत करूंगा, मैं कुछ काम करूंगा, मुझे आमदनी होगी, प्रॉफिट होगा, नफा होगा, और मैं उससे और फायदा उठाऊंगा, कुछ इन्वेस्ट करूंगा और मुझे उससे प्रॉफिट होगा। तो वो जो एनिमल स्पिरिट होती है वो निजीकरण से ही बढ़ती है। अगर देश ने, जब हम लोगों को आजादी मिली थी तो उस टाइम पे जो हमारी आइडियोलॉजी थी वो रशिया चाइना जैसे, जैसे अभी अभी मैडम ने कहा है, वो नेहरू जी ने उस टाइम पे सोशल जो हम लोग कर रहे थे वो अलग किस्म की आइडियोलॉजी थी। उसमें क्या होता था कि सब कुछ सरकारी लोग करेंगे। अभी जो आइडियोलॉजी से दुनिया इतनी आगे चली गई है वो है निजीकरण की आइडियोलॉजी। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण चीन है। 1978 तक हमारा देश चीन से थोड़ा बहुत आगे था, पर हम दोनों, चीन और भारत, एक दूसरे के समकालीन थे, मतलब मिलते जुलते थे। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, अलग नहीं थी दोनों से। पर 1978 में चीन ने जिस तरीके निजीकरण करना शुरू किया, उनके आइडियोलॉजी जो मर्जी कही आप, पर जिस तरीके उन्होंने शुरू किया, आप देखिए वो कहाँ पहुंच गए, अभी ग्रोथ कहाँ चली गई उनकी, हमारे से कितना आगे चले गए। उसी तरीके से जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, आइडियल्स हैं, जैसे हम फ्रांस जर्मनी बनना चाहते हैं, इटली या अमेरिका बनना चाहते हैं, तो वहां तो पूरा निजीकरण है, तो वहां पर हर आदमी कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, नफा कमा रहा है और कुछ इन्वेस्ट कर रहा है। हमारे बच्चे सब वहां जाके बसना चाहते हैं, नौकरियां वहां करनी चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यहाँ यंग डेमोग्राफिक कंट्री है, हमें अवसर देना है जॉब का, वो प्राइवेट सेक्टर ही देगा। और प्राइवेट सेक्टर को बुरा कहना अभी वो टाइम नहीं है, वो आइडियोलॉजी बदल चुकी है। बहुत अच्छे तरीके से मैडम ने कहा है कि बैलगाड़ी के रास्ते में अभी हम सुपर फास्ट ट्रेन नहीं चला सकते, नया रास्ता बनाना पड़ेगा, नई आइडियोलॉजी लानी पड़ेगी, और नई आइडियोलॉजी टाइम टेस्टेड है। वो वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ हमारे बच्चे चले जाते हैं वहां पे टेस्टेड है, उसी रास्ते को अपनाने से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं, ये प्रधानमंत्री जी का जो विचार है वो मुझे लगता है वही एक रास्ता है। अगर हमने दुनिया में दोबारा वही 30% टोटल इनकम का बनना है, दुनिया से लोग ढूंढने हमें आएंगे, तो वही तरीका होगा। ठीक है, और मोनिका आलम थोड़ा सा इसे लेकर भी आप समझाइए कि जो रणनीतिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं, स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स जो हैं, उन चार कोर सेक्टर को छोड़कर बाकी क्षेत्रों का मोनेटाइजेशन होगा, वहां से पैसे हासिल किए जाएंगे, तो ये जो चार कोर सेक्टर हैं क्या वो अपने पास रखने के पीछे मकसद क्या है, क्या ये देश के सिक्योरिटी के पर्पज़ से ज़रूरी हैं बाकियों को मोनेटाइजेशन के लिए खोलना, क्या रणनीति क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है इसके पीछे? जो मुझे समझ आया है वो ये आया है कि इस समय जो चार जो स्ट्रेटेजिक जो एरियाज हैं उनको रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैसे डिफेंस है, या अगर हम अब एक नया सेक्टर जैसे है, अब भारत पब्लिक डिजिटल यूटिलिटी बना रहा है, डिजिटल पब्लिक यूटिलिटी बना रहा है, मतलब जैसे UPI है, जो आजकल पैसे का ट्रांसफर इतना आसान हो गया है। भारत एक ऐसा देश है जिसने जो रोड बनाई है, जो ट्रैक बनाया है, वो एक पब्लिक यूटिलिटी है, उसके ऊपर आके प्राइवेट कंपनीज अपने अपने एप्स या पेमेंट सिस्टम बना सकती हैं। सो वो जो ट्रैक है वो भारत में बहुत क्लियर है कि वो पब्लिक यूटिलिटी होगा, वो कोई एक कंपनी उसको ओन नहीं करेगी, और ये भी स्ट्रेटेजिक सेक्टर में आएगा, पर उसके बाद उसके ऊपर प्राइवेटाइजेशन हो सकता है।
मुझे लगता है जो इस समय सोच है वो ये है, जिस काम में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट या मोनोपली का डर बहुत ज्यादा ना हो, और मोनोपली का भी जैसे पहले था पोस्ट है या टेलीफोन है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें अब हमारे जो रेगुलेटर्स हैं वो आ गए हैं। तो डर क्या है लोगों को, ये है कि निजीकरण की वजह से या तो नौकरियों पे असर पड़ेगा, पर ये देखा गया निजीकरण के बाद एक्चुअली नौकरियां खुलती हैं, और दूसरा ये है कि मोनोपली हो गई तो क्या होगा, कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम आजकल बहुत चल रहे हैं कि उनकी वजह से क्या हो जाएगा, पर ये शायद देखना चाहिए कि उनकी वजह से कितने लाखों लोगों को नौकरियां मिली हैं। और अगर हमको मोनोपली से डर है तो बहुत एक कॉम्पिटेंट रेगुलेटर है कॉम्पिटिशन कमीशन भारत में जो मोनोपलीज को तोड़ने के लिए तैयार है। तो मुझे ये लग रहा है कि डर किस बात का है, जो नौकरियां इनफैक्ट बढ़ेंगी, सैलरीज बढ़ेंगी, और अगर मोनोपली की तरफ कोई जाएगा तो एक कॉम्पिटिशन कमीशन जो रेगुलेटर है वो तैयार है। तो मुझे ये लगता है कि जो पुरानी विचारधारा है उससे सबको ही निकलना चाहिए और डर के नहीं चलना है, आगे ये विश्वास के साथ चलना है कि सबके लिए अच्छा है। और अगर कोई ये सोच रहा है कि हमको काम करना पड़ेगा इसलिए नहीं है निजीकरण अच्छा, तो उनको फिर दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्री लंच वाला टाइम था जो पब्लिक सेक्टर में का फेमस था कि वहां पे बिना काम करे, क्यों चाहते हैं पीएचडी सरकारी नौकरी, क्यों लाइनें लगती हैं सरकारी, ये नहीं है कि नौकरियां नहीं है, भारत में काम बहुत है, आप काम करने वाले बनो तो काम मिलेगा। तो क्यों आ रहे हैं इतने क्वालिफाइड लोग पीएम की नौकरी करने, क्योंकि वो मुफ्त का पैसा माना जाता है सरकार की नौकरी। वो विचारधारा को बदलेंगे अगर हम लोग टैक्स पेयर्स नहीं बदलेंगे तो यही है कि ऐसे ही घिसता रहेगा भारत का जीडीपी ग्रोथ। ठीक है ठीक है। प्रोफेसर चरण सिंह, आपने बाकी देशों का उदाहरण हमें दिया, थोड़ा सा अगर आप समझाएं कि प्राइवेटाइजेशन या मोनेटाइजेशन को लेकर भारत के लिए कौन सा मॉडल सही रह सकता है, और क्योंकि हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री आज से नहीं लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है भारत की उसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी भी पूरी तरह से होनी चाहिए, तो कौन सा मॉडल हमारे लिए सही रह सकता है? तो पहली बात मैं थोड़ा सा गाइडेंस से एक बात करनी चाहूंगा। मैं जानता हूँ कि पब्लिक सेक्टर जॉब्स के लिए लोग लाइन लगाते हैं, पर मैंने पब्लिक सेक्टर में काम किया है, मैंने पंजाब नेशनल बैंक में काम किया, रिजर्व बैंक में काम किया, मैं आपको कह सकता हूँ कि पब्लिक सेक्टर में सारे लोग आराम करने नहीं जाते जी। कुछ लोग बहुत श्रद्धा से जाते हैं कि देश के लिए जान देनी है, देश को आगे बढ़ाना है, तो इसलिए कुछ जाते होंगे कि चलो फ्री की जिंदगी भर पेंशन मिलेगी, पर फ्री का लंच कहीं नहीं है, ना पब्लिक सेक्टर में है ना ही प्राइवेट। तो एक बात ये, मैं क्योंकि खुद रहा हूं पब्लिक सेक्टर में, एक जनरल परसेप्शन की बात कर रही थी मोनिका की, इस तरह का परसेप्शन है लोगों में सरकारी नौकरियों को लेकर, जनरल बात थी ये जी, बताइए बताइए। मानता हूं, पर मैं वो भी क्लेरिफाई करना चाहता हूं, पर पब्लिक सेक्टर ने पिछले 70 साल में एक बहुत बड़ा योगदान दिया, उसको भूलना नहीं, जो देश की प्रगति हुई है वो पब्लिक सेक्टर के सिर पे ही अभी तक कंधों पे हुई है, उसको भुलाना नहीं है, और उसको हम लोगों ने उसको भी सेलिब्रेट करना है। क्योंकि देखिए जब बैंक की बात होती है, एक उदाहरण ले लीजिए, बैंक को प्राइवेटाइज करना है, और वो भी आपने देखा है कि आपने जो चार क्षेत्र के, उसमें एटॉमिक एनर्जी है, डिफेंस है, बैंक भी है, और उसमें सरकार कह रही है कि हम कुछ 4-5 इंस्टीट्यूशंस को रख के बाकी सबका निजीकरण करेंगे। तो बैंक जो सरकारी बैंक है उनका योगदान बहुत रहा है देश की प्रगति। अभी बात ये जो आपने मेरे से सीधा सवाल पूछा है उसके बारे में मेरी जो विचार है, हमारे हम जो अभी तक फॉलो कर रहे हैं, और क्योंकि बहुत सक्सेसफुल मॉडल है, वो अमेरिकन मॉडल ऑफ प्राइवेटाइजेशन है, जिसमें हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, क्योंकि वो खुद समझ रहे हैं प्रॉफिट मेकिंग है, एक इनविजिबल हैंड होता है प्राइवेट सेक्टर में जिसको कहते हैं कि वो गाइड कर रहा है, और वो इनविजिबल हैंड बेसिकली क्या है, वो बेसिकली है प्रॉफिट मेकिंग ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। जब लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप प्रॉफिट करते हैं तो आपके पास एक सस्टेनेबल मॉडल होना चाहिए, तो फ्लाई बाय नाइट वाला मॉडल नहीं कि आज नफा कमाया कल रात को कल तक बैंकक्रप्ट हो गए, वैसा नहीं, एक सस्टेनेबल मॉडल होना चाहिए। और सस्टेनेबल मॉडल में आप देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे जो निजी कंपनियां हैं अमेरिका में वो कितने सालों से चल रही हैं, उसी तरीके हम अपने देश में भी वही चीज चाहते हैं।
प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जो ऊर्जा और जो एनर्जी प्राइवेट सेक्टर में आती है, जो नई बातें लेके आते हैं, जो विदेश की नॉलेज लेके आते हैं, उससे पूरे अपने ही देश के अंदर एक स्तर ऊपर हो जाता है। टेक्नोलॉजी नई आ जाती है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट नई आती है। प्रॉफिट मेकिंग में यही होता है, जैसे जैसे आपका प्रॉफिट रेशियोज बढ़नी शुरू हो जाती हैं, आपका मन करता है कि लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आए। अब देश हमारे यहाँ पे ठीक है कि कुछ लोग मिडिल इनकम है, कुछ गरीबी रेखा में है, पर बहुत इतना बड़ा विशाल देश है, यहाँ पर अमीर भी बहुत है। तो इसलिए अगर हम लोग लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी बैंकिंग में इधर लेके आएंगे तो सबका ही फायदा होगा। तो यही चीज प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि जॉब क्रिएशन भी होगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर आएगी, और जो हम लोगों ने ये सारी चीज से हमें पैसा मिलना है, हमने उसको सोशल सेक्टर में ही यूज करना है। तो एक तरीके से ये जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी थी, जो फैमिली सिल्वर था, हम लोग उसको बेच के पार्टी नहीं मनाने वाले हैं, हम लोग उसको सोशल सेक्टर में ग्रोथ के लिए दोबारा यूज करने वाले हैं। तो मुझे लगता है ये सारी विजन जो सरकार की है, जो प्रधानमंत्री जी ने कल अपने 22 मिनट के भाषण में इतने अच्छे तरीके से सबके सामने रखी है, वही मुझे लग रहा है कि प्लान फॉर ग्रोथ है। और वो प्लान फॉर ग्रोथ 2 साल या 5 साल के लिए नहीं, वो अगले 50 साल तक अगर हम उस पर लगे रहे तो हम शायद दुनिया की सबसे पावरफुल तो दोबारा कंट्री बन सकते, क्योंकि पूरे का पूरा देश उसमें कंधे से कंधा जोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। अब मैं दो उदाहरण दूंगा, आपके पास श्रमिक की कमी हो, आप आईटी सेक्टर देख लीजिए, आईटी सेक्टर जो बेंगलोर हैदराबाद में बड़ा है, पूरा निजी क्षेत्र में बड़ा है, कितने अच्छे तरीके से वो आगे चला गया है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं तो खुद चाहता हूँ कि जो ट्रांसपोर्ट एरिया भी है, हाँ ठीक है रेलगाड़ियां ज्यादातर पब्लिक सेक्टर में रहती हैं, पर एक दूसरा उदाहरण आप एयरलाइन का लीजिए। आज से 15-20 साल पहले हमारे यहाँ पे सिर्फ दो ही, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस होती थी, पर आज देखिए कितने प्राइवेट सेक्टर लोग एयरलाइन इंडस्ट्री में आ गए हैं, और कहाँ छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट बन गए और छोटे छोटे हवाई जहाज उड़ने शुरू हो गए। तो उस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को लाने से ये बहुत फायदा होता है, एक वैरायटी आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज बन जाती है। ठीक है मोनिका भालन मैम, अब मैं दूसरा पहलू देखूंगी, क्योंकि अहम बात यह है कि जिन उपक्रमों को सरकार नहीं चला पाई या जो सरकार बेचने जा रही है, और जो लक्ष्य है वो 2.5 लाख करोड़ रुपए का है, आपको क्या लगता है इसे हम कैसे हासिल करेंगे? क्या लगता है कि प्राइवेट सेक्टर उतना उत्साह दिखाएगा? जो सरकार का टारगेट है उसे अचीव करने में कितनी मदद मिलेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर नफा नुकसान देखता है, और इससे पहले भी हम जो डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर जो टारगेट रहे हैं बहुत कुछ हम पूरे नहीं कर पाए, तो ऐसे में क्या लगता है कितना उत्साह दिखाया जाएगा प्राइवेट सेक्टर की तरफ से? प्रीति, पैसा तो ये देखता है कि कहाँ उसको रिटर्न मिलेगा, उसकी खास आइडियोलॉजी नहीं होती है, और अगर एसेट जो बिक रहा है उसकी वैल्यू है तो पैसा बहुत है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में पैसा नहीं है, ये पहले कहा जाता था कि भारत में कहाँ पैसा है, पर आप भारत का रिटेल इन्वेस्टर को ही देख लो कि उसके पास इतना पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए कि अगर इंस्टीट्यूशनल सेल्स होती हैं तो रिटेल का पोर्शन हमेशा सब्सक्राइब होता है, वो खरीदने के लिए आते हैं, डायरेक्टली आते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू आते हैं, तो पैसा है प्राइवेट सेक्टर के पास, और इस समय तो पूरे वर्ल्ड का पैसा भी देख रहा है भारत को, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल एक इम्पोर्टेंस भारत के पास आ गई है, जो चाइना ने बॉर्डर पे उपद्रव मचाया हुआ है, और जो कोरोना के बाद चाइना का व्यवहार रहा है पूरे वर्ल्ड के साथ, तो एक जियोपॉलिटिकल जो इम्पोर्टेंस थी वो अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में ट्रांसलेट हो रही है। तो जो बड़ा पैसा है पूरे वर्ल्ड का, उसके पास वो भी आना चाहता है भारत के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। भारत को ये देखना है कि किस वैल्यूएशन पे निकलेगा, और जो बैकग्राउंड काम है, क्योंकि ये नहीं है कि एक दिन सोचा और अगले दिन मार्केट में चले गए। आपको एक उदाहरण दूं कि जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का डिसइन्वेस्टमेंट की बात काफी साल से हो रही है, पर आप इस साल के बजट का फाइनेंस बिल अगर पढ़ेंगे उसमें 25 पेज
दिए हुए हैं क्लॉज बाय क्लॉज, जो LIC एक्ट है 56 का, उसको कैसे बदला जाएगा, क्या चेंज आएगा, क्या ऐसी चीज करेंगे जिससे कि जो एसेट है LIC का 5% या 10% जिसको वो मार्केट पे लेकर आएंगे, उसको उस लायक बनाएं कि उसमें निवेश हो सके, क्योंकि इन्वेस्टर भी चाहता है कि ट्रांसपेरेंसी हो, कि LIC का जो एसेट्स हैं उसमें दिखे कि क्या है इस एसेट पूल में। वो सारी चीजें बैकग्राउंड में जो दीपम है, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट है, वो उसने काम किया है। तो पैसा है, इंटेंट है, और जब मार्केट में आएंगे तो मुझे ये विश्वास है कि निवेशकों का पैसा आएगा, और रिटेल इन्वेस्टर्स अगर चाहते हैं तो जरूर इसमें निवेश करें, क्योंकि भारत का अपसर्ज शुरू हुआ है और स्टॉक मार्केट का ग्रोथ तो एक्चुअली अब शुरू हुआ है, क्योंकि आप याद होगा 91 के बाद 10 साल लगे थे, 2000 पे था सेंसेक्स, मुझे याद है जब मैंने नौकरी शुरू करी थी 2000 पे था, और आज 50,000 पे पहुंच गया है। तो 91 के रिफॉर्म के बाद 10 साल लगे थे मार्केट को रिएक्ट करने में, मुझे लगता है अब एंटिसिपेशन में कर रहा है, और पैसा काफी है निवेशकों के पास भारत के इस मोनेटाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, ठीक है। और प्रोफेसर चरण सिंह, मैं चाहूँगी आप थोड़ा आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन के पहलू पर अगर बात करें, तो क्या ये आपस में लिंक्ड हैं अपने आप, हम निजीकरण या कहें मौद्रिकीकरण के बाद मॉडर्नाइजेशन PSEs में देखेंगे, क्योंकि ये उम्मीद जताई है प्रधानमंत्री ने कि जब प्राइवेट सेक्टर आएंगे तो आधुनिकीकरण होगा, और एक तरह से प्रबंधन अलग होगा, स्टाफ अलग होगा, अप्रोच अलग होगी। किस तरह का विजन मॉडर्नाइजेशन को लेकर चाहिए, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन सब पर भी कितना ध्यान देना होगा? बिल्कुल, एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे अभी अभी आपने सुना है हमारी स्टॉक मार्केट कहाँ जा रही है, इसका मतलब पैसा तो है। हाँ। अच्छा, दुनिया भर में ऐसा देश आपको कहाँ पर मिलेगा जहाँ इतना अच्छा रेगुलेटर है मार्केट्स का और फाइनेंस का भी, रिजर्व बैंक और सेबी, और दो अच्छे अच्छे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, और इतनी यंग पॉपुलेशन है जो करने के लिए एकदम तैयार बैठी है, कहाँ ऐसा देश मिलेगा। उसके अलावा डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी है, अंग्रेजी पे थोड़ी माहिर है, संस्कृति और कंप्यूटर, संस्कृत और कंप्यूटर की ज्ञान है, और यहाँ पर इतना विशाल देश है कि पूरे कॉन्टिनेंट की तरह इधर मार्केट डिमांड है, तो ऐसे देश में ही पैसा दुनिया भर से आएगा। तो FDI जो इतना एकदम लगातार दौड़ता आ रहा है, उसका कारण यही है कि पूरी दुनिया में इस टाइम पे ये लाइट हाउस की तरह बैंक ये अपना कंट्री बना हुआ है। IMF वर्ल्ड बैंक ने भी जो ग्रोथ एस्टिमेट्स दिए उसमें उन्होंने साफ कहा कि 11-11.5% के दर से ये देश आगे बढ़ेगा, तो इसलिए पैसा तो आएगा। अब जब पैसा आएगा और प्राइवेट सेक्टर जहां डिसीजन मेकिंग थोड़ी तेज होती है और फिर प्रॉफिट उनका मेन मोटिव होता है, तो उससे एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। जैसी एफिशिएंसी बढ़ती है उसका साफ मतलब है कि मॉडर्नाइजेशन होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, ऑटोमेशन होगी, ये सारी चीजें आ जाएगी। तो दुनिया भर की जो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजीज है वो प्राइवेटाइजेशन के साथ आ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे पैसा आता है फिर मैनेजमेंट भी साथ साथ आती है। खास करके जब FDI में पैसा आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, तो वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आके कहीं फॉरेन कंपनीज करेंगी। आपको एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, उससे शायद बात स्पष्ट हो जाएगी। 1978 में चीन में फॉरेन कंपनीज नहीं थी, एक भी नहीं थी। आज करीब 9 लाख फॉरेन कंपनीज वहां पे काम कर रही हैं। और आप जानते हैं कि जो जब इतने लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होती है तो कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है, और जब आप देखते हैं कि आपका सारा कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है, जिस कंट्री को एक्सपोर्ट हो रहा है, अमेरिका या फ्रांस या यूरोप की बाकी कंट्रीज में, तो आप प्रोडक्ट बेहतरीन से बेहतरीन बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो ग्लोबल मार्केट में कम्पीट कर रहा है, उसका फायदा लोकल लोगों को भी मिल जाता है। तो इसलिए ये बिल्कुल ठीक बात है, जैसे ही हम लोग निजीकरण करेंगे पैसा आएगा, और निजीकरण को देखते हुए पैसा आ जाएगा। और यहाँ पर हवा में बात नहीं हो रही है, सरकार ने साफ कहा है हमारे पास 100 एसेट है, जिससे 100 एसेट को आइडेंटिफाई किया है कि इनको हम निजीकरण करना चाहते हैं, और फिर पाइपलाइन में करीब 25 लाख करोड़ के एसेट पड़े हुए हैं। तो पूरा कॉन्क्रीट प्लान सामने रखा जा रहा है, जिस कारण FDI भी आएगा, लोग भी आएंगे,
टेक्निकल एक्सपर्टीज आएगी, मॉडर्न मैनेजमेंट आएगी, उससे मॉडर्न प्रोडक्शन और एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। यही मुझे लग रहा है, आप पिछले 10 साल में खुद देख लीजिए जहां पर इतनी मॉडर्नाइजेशन आई है और जहां पर जो कॉस्ट था कुछ टेक्निकल एडवांस चीजों का, जो हम लोग सोचते थे आम आदमी नहीं खरीद सकता है, हर एक कोई खरीद रहा है। टीवी की फ्लैट स्क्रीन एक बहुत अच्छा उदाहरण है, कैसे हर जगह टीवी की फ्लैट स्क्रीन आ गई और बहुत अच्छे रेट में मिलनी शुरू हो गई है। उसी तरीके कंप्यूटर की स्क्रीन्स बड़ी आ गई हैं, इतनी एफिशिएंसी बढ़ रही है। अभी ऑनलाइन डिस्कशंस हो रही है, ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, बच्चे के लिए कभी लीनियर स्क्रीन से आंख पे जोर नहीं पड़ता है। तो सब कुछ इंडिया में आ रहा है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो उस निजीकरण के कारण ही ये सब हो रहा है। तो मॉडर्नाइजेशन दिख रही है। ठीक है, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन को लेकर मोनिका हालन, आपकी राय भी मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि न सिर्फ इन सरकारी उपक्रमों को दोबारा खड़ा करना जिनकी हालत खराब है, बल्कि इस तरह से खड़ा हो कि वो लोकल फॉर ग्लोबल वाला एक तरह से सिनेरियो हो और जो दुनिया की टेक्नोलॉजी है उनसे कहीं ना कहीं मुकाबला कर पाए। तो ऐसे में मॉडर्नाइजेशन को लेकर क्या विजन होना चाहिए आगे? विजन तो यही है कि बेस्ट टेक्नोलॉजी एट द चीपेस्ट इंडियन रेट, भारत में जो सैटेलाइट जाती है ऊपर और अब तो चंद मार्स तक भी, मतलब वो सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ग्लोबल कॉस्ट से 1/10 पे होते हैं भारत में। तो मॉडर्नाइजेशन बहुत जरूरी है और प्राइवेटाइजेशन के बाद रिसोर्सेज आएंगे क्योंकि आपको एफिशिएंसी चाहिए। पर एक इंडियन वे है, एक भारतीय तरीका है करने का, उसको हमको नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि हम सब इंपोर्ट कर सकते हैं पर एक जो इंडियन वे है वैल्यू का, हर चीज अगर कम कॉस्ट में हो सकती है और जो बेस्ट स्क्वीज कर सकते हैं हम किसी चीज एसेट को, वो जो एक तरीका है उसको हमने नहीं छोड़ना है। तो मॉडर्नाइजेशन बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी में, पर हमको द इंडियन वे उसमें करना चाहिए, ये मेरा मत है। ठीक है, इसी के साथ आज की चर्चा का समय पूरा हो रहा है। मोनिका हालन आपका, प्रोफेसर चरण सिंह आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हालिया समय में ग्लोबलाइजेशन के असर की वजह से अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार, लगातार घाटे में चल रहे कई सरकारी उपक्रम, कॉरपोरेट जगत के साथ साथ NPA जैसी समस्याओं के कारण सरकार के लिए मोनिटाइजेशन को प्रोत्साहित करना जरूरी सा हो गया है। सरकार के इस कदम के साथ साथ सामाजिक और सार्वजनिक हितों पर भी ध्यान देना चाह रही है सरकार और मौद्रिकीकरण का प्रयोग राजस्व घाटे से निपट के साथ साथ एक तरह से जन कल्याण योजनाओं में और मजबूती लाने के लिए करना चाहती है। सरकार के इस विजन में चुनौतियां भी कई हैं जिनसे कैसे पार पाकर आगे बढ़ा जाएगा यह देखना होगा। इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।